सच साहस सरोकार। हारी हुई सीटों में से 50 फीसदी जीतनी है, बिहार पर हो खास फोकस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेट किया टारगेट। मदरसा सर्वे पर योगी सरकार को जमीयत उलमा हिंद की धमकी, कहा गलत तरीके से किया सर्वे, किसी कीमत पर मंजूर नहीं। विदेश मंत्री अजय शंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव बनने पर जेम्स क्लीवली को दी बधाई। बेंगलुरु में 9 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, जलभराव के चलते स्कूल बंद। श्रीलंका से मिली हार के बाद रोहित शर्मा ने कहा टीम को 10 में एक रन बनाने की थी जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए रुख करते हैं खबर की ओर। शाहजहांपुर में यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, वहीं उन्होंने जनरल वार्डों में भर्ती मरीजों के पास जाकर उनका हाल चाल जाना। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा और ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। मिलती है उनको हम लोग तुरंत सुधारते हैं, साफ सफाई पर, शुद्ध पेयजल पर, स्ट्रेचर व्हील चेयर पर, एम्बुलेंसेस समय से पहुँचे, इस पर विशेष ध्यान है। शाहजहांपुर जनपद में जो हमारा जिला चिकित्सालय था उसको मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने किया है, लेकिन मरीजों की संख्या को देखते हुए इसके एक्सपेंशन का प्लान बनाने के लिए हमने कहा है, इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। और औरैया की खबर, एरवा इटवे में बुढ़वा मंगल के अवसर पर विशाल धनुष भंग की लीला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाजवादी पार्टी के विधुना विधानसभा विधायक रेखा वर्मा ने किया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष रानू पालीवाल के अलावा बड़ी संख्या में पंडाल में लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक सीतापुर से उनके पैतृक आवास गोला गोखरनाथ शव पहुंचेगा। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बीजेपी विधायक की अंतिम यात्रा में शामिल होने आएंगे। घड़ी में संवेदना की है, पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे उस दुख को, उनके परिवार के दुख को कुछ कम कर सकें। जी, हमारा अरविंद गिरी से पुराना रिश्ता रहा, उनकी शिवा समाचारी से हुई थी और हम सब लोगों ने मिलकर ही उनको एक स्तंभ की तरह खड़ा किया था। ऐसा बच्चों में खेले भी हैं, आदमी गोला और गोला वालों के लिए खेला था। और हम लोग जनपद में भी हम लोगों ने जिले के स्तर तक इनको उठाया था। और उनकी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि जहाँ कहीं जुल्म और नाइंसाफी होती थी और पब्लिक भी इनकी दीवानी रहती थी। आज इनके जाने से निजी रूप से मेरा भी हमको शौक है, इस चीज़ से जैसा भी था लेकिन आदमी अच्छा था, पब्लिक मतलब का क्या हुआ जब आप घर से निकले, कैसे क्या घटना हुई? घर से ठीक ठाक निकले थे, सिदौली के आगे बढ़े थे हम लोग ने, तो विधायक जी ने कहा गाड़ी रोको, कुछ तबीयत खराब हो रही है हमारी। फिर आगे फिर गाड़ी रोका तो विधायक जी ने उतर लिए, थोड़ा पीछे बैठ गए सीट पे, कहा यहाँ अस्पताल कहीं नज़दीक है वहाँ हमको ले चलो, कुछ तबीयत गड़बड़ हो रही है। तो हम लोग आगे बढ़ा तो देखा हिंद मेडिकल कॉलेज दिखाई पड़ा, तो वहाँ लेके गए, इमरजेंसी वार्ड में जो एडमिट कराया, डॉक्टरों ने उनको घोषित कर दिया कि क्या कहा डॉक्टर, उन्होंने कहा एक्सपायर हो गए। और इसी में हमारे संवाददाता धीरज जुड़ेंगे। धीरज, आज अरविंद गिरी का शव पैतृक आवास पर पहुंचेगा और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कौन कौन से बीजेपी नेता शामिल होंगे इसमें?
धीरज से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे बात करेंगे। धीरज, आज विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, आज उनका शव पैतृक आवास पर पहुंचेगा जिसमें बीजेपी कई बड़े नेता शामिल होंगे। आवास गोला गोखन्ना शव पहुंचेगा जिसमें इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसमें आज विधायक अरविंद गिरी का शव उनके पैतृक आवास पर पहुंच रहा है, कुछ दिन पहले उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उनका शव सीतापुर से उनके पैतृक आवास योजना गोला गोखन्ना शव में पहुंचेगा। इसके साथ ही इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धीरज जुड़े हैं। धीरज, आज उनका अरविंद गिरी का शव आज उनके पैतृक आवास पर पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी और सामने आ रही है धीरज? हेलो धीरज, आज अरविंद गिरी का शव पैतृक आवास पर पहुंचा है, कई बड़े बीजेपी नेता इसमें शामिल भी होंगे। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं नंदिनी जी आपको, लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा क्षेत्र के एक करवट ईमानदार प्रत्याशी थे, जो पांचवी बार विधायक हुए थे, जो किसानों के और गरीबों के चहेते भी थे, उनका कल हार्ट अटैक से जिनकी मौत हुई, उसके बाद में उनका जो शव अभी इस समय मौके पर उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है, गोला शहर में उनकी शव यात्रा निकाली गई है अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद में उनके आवास फार्म हाउस पे आवास जो बना वहीं पे रखा जाएगा। दिग्गज भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी पहुँच रहे हैं, जल शक्ति मंत्री जी पहुँच रहे हैं और सुरेश राही मंत्री जी वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अन्य भी कई दिग्गज नेता कल भी यहाँ पर आए थे अंतिम दर्शन के लिए, आज भी अंतिम दर्शन करके उनकी विदाई, उनकी समाधि दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेताओं की, तो एक जमावड़ा सा लगा हुआ, कल से बराबर नेताओं का आना जाना बराबर जारी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, चप्पे चप्पे पे भी पुलिस तैनात की गई, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत न होने पाए हर तरीके से। बाकायदा सारी सुरक्षाएं, हर रोड पे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और उनके आवास पर जो उनके कार्यकर्ता और सैकड़ों हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता और उनके अंतिम दर्शन के लिए आम जनता आ रही है बराबर। धन्यवाद आपका धीरज। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी महानगर की जयगंज मंडल महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी को पत्र भी भेजा। पत्र में उन्होंने कहा है कि अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, जिसको लेकर कुछ जिहादी और कट्टरपंथी सोच वाले मौलानाओं को बुरा लग गया है। वह उनके खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं, इससे उनके परिवार को जान का खतरा पैदा हो गया है। इससे पहले उन पर हमला हो चुका है जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। मंत्री जी को पोर्टल किया था, मेरी जान को ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। अब जिला प्रशासन से मैं मांग करती हूँ सुरक्षा की, क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ लोग चक्कर लगा रहे हैं जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, ना पहचानती नई नई शक्लों से। और जब मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ, कमेंटबाजी करते हैं कि ये देखो हिंदू जा रही है, ये पूजा वूजा करती है, इसने मंदिर रख लिया है। अब मुझे पूरी तरह दिख रहा है इन मुल्लाओं के फतवों से और मुल्लाओं के बयानों से कि मेरी जान का बहुत खतरा है, मेरे पूरे परिवार को। संभल में विकास खंड रजपुरा परिसर में रजपुरा ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोजगार सेवकों का आरोप है कि पिछले 5 माह से लगातार मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसकी गुहार लगाने के लिए रोजगार सेवक खंड विकास अधिकारी से मिलने के लिए गए थे, जहां पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारा 5 महीने का मानदेय बकाया था, मैं गया, मेरे के सभी साथियों का मानदेय बकाया है, सर हमारा मानदेय दे दीजिए,
आर्थिक स्थिति बहुत परेशान है। मेरा बच्चा अलीगढ़ में 18 दिन में आईसीयू में से भर्ती होकर अभी छुट्टियों के आया है। मैंने बताया मेरे पर बहुत कर्ज हो चुका है। उसके बदले में वीडियो रजपुरा ने मुझसे गलत व्यवहार किया, गाली गलौज की और धमकियाँ दी कि तुझे जेल भिजवा देंगे, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। हमारा धरना प्रदर्शन ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ये हमारा धरना प्रदर्शन आज 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन है। बात यह है, एक हमारे साथी रोजगार सेवक हैं ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह अपना मानदेय की गुहार लगाने वीडियो साहब के ऑफिस में गए। जैसे ही खंड विकास अधिकारी महोदय के सामने अपनी बात रखी तो उन्होंने हमारे साथी के साथ में अभद्रता का व्यवहार किया। 5 महीने से हमारा ड्यू चल रहा है। 5 महीने से हम बरकरार उनसे कहते रहे, लिखित में भी उन्हें पत्र दिया कि साहब हमारा मानदेय दे दीजिए, तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम बता दी, कभी कुछ बता दिया, लेकिन हमें मानदेय नहीं दिया। एक बार मैंने जब कहा उनसे तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम मानदेय नहीं देते। मैंने कहा लिखित में दे दो, तो उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी। और भी साथी हमारे साथ थे, सभी लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की। और हमारे भाई ओमपाल सिंह हैं, इन्होंने जहर खाया, जहर आत्महत्या, ये क्या मान लो करेंगे? हम सभी लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। और इस खबर से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। मुबारक, रोजगार सेवक मानदेय न मिलने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। को बता दूं, जनपद संभल के दसपुरा ब्लॉक का पूरा मामला है। और ये वीडियो से अपनी गुहार लगाना गए थे विकास अधिकारी से, और गुहार लगाने गए थे। और दूसरी तरफ जो उन्होंने वीडियो ने अपशब्द कहा है इनके लिए, उन्होंने ऐसा आरोप भी लगाया। आरोप लगाने के बाद में जो उस बात का जो सब रोजगार सेवकों को सबको पता पड़ा है, पर कालीन धरने पर बैठ गए हैं। वजह है की 5 महीने से उन्हें उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। जो 5 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है उसके को लेकर जो उन्होंने आज धरना प्रदर्शन करा है। धरना प्रदर्शन करने के बाद में जो उन्होंने ये मांग करी है अपनी, जब तक वो वीडियो साहब अपनी गलती को महसूस नहीं करेंगे तो उनके धरना जारी रहेगा, और जब तक धरना चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुबारक। औरैया में महिला होमगार्ड ने एक विक्षिप्त महिला की बच्ची को गोद लिया, जिसके बाद जिले के आला अधिकारियों को भी इस बात का अवगत कराया गया था, लेकिन बच्ची को पूरी तरह से गोद लेने और प्रशासनिक कार्यवाही के लिए महिला होमगार्ड को दफ्तरों के चक्कर काट रही है। एक वो बच्ची जो मुझे मिली थी, गोदनामा दिया था CMS ने, उसी के लिए आए थे। DM साहब से कई बार गए, साहब ने आश्वासन तो दिया है लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। बच्ची ये मैं 12 जून वहाँ ड्यूटी तैनात थी नाइट कोतवाली औरैया में, वहाँ मुझे CMS के द्वारा और माननीय वो SP साहब जो यहाँ से चले गए उनके द्वारा पूरी मीडिया के जरिए वो बच्ची मुझे गोदनामा दी गई थी। हमारे पास सारे प्रूफ है, कागज भी है। सर, एक महिला आपसे मिलने आई थी, उसने बच्ची गोद लेने के बाद आ रही है, पूरा केस पढ़ने पे ये पता चला है कि अर्धविक्षिप्त महिला का बच्चा हुआ, सेंटीमेंट में होमगार्ड महिला को दे रही गई, लेकिन इसमें जो कानून है वो कानून यह है कि CWC को बच्चा दिया जाता है, और ये भी तय किया जाता है कि कोई ब्लड रिलेशन में तो क्लेम करने वाला नहीं है। वो जब कोई नहीं होता है तो एडॉप्टेशन पॉलिसी है, उसके तहत बच्चे को गोद दिया जाता है। जिलाधिकारी इनका इस संदर्भ में वो विधिक कार्रवाई। खबर औरैया सेल से है, जहां सदर तहसील परिसर में बीते 26 अगस्त को चल रही राजस्व अधिवक्ताओं की हड़ताल अभी जारी है। अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के उद्देश्य हड़ताल शुरू की है, लेकिन अब तक अधिकारियों ने उनकी एक भी मांग पर विचार नहीं किया है, जिस पर राजस्व अधिवक्ताओं ने व्यापारियों से भी समर्थन मांगा। व्यापारियों ने भी तहसील में पहुंचकर अधिवक्ताओं को अपना समर्थन दिया है। आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर तहसील में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है, लेखपाल लोग बेलगाम हैं, और यहाँ तक कि जनता का इतना शोषण कर रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपये से नीचे उनकी कोई रिश्वत नहीं मांगी जाती है। 26 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना ये है कि यहाँ के सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता प्रशासन
किसी ने भी आना यहाँ उचित नहीं समझा है। और ये लड़ाई, ये वकीलों की कोई लड़ाई नहीं है। सबसे पहले मैं इस एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ कि भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, ये इसका आम जनमानस पे ही असर पड़ता है। तहसील के अंदर बगैर पैसे के कोई काम हो नहीं रहा है। और इसी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ेंगे। जाहिद, राजस्व अधिवक्ताओं का लगातार हड़ताल जारी है और क्या कुछ खबर सामने आ रही है, क्यों वो अपना कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन चल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, 36 अगस्त से लगातार अधिवक्ताओं का हड़ताल जारी है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर अधिवक्ता अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं आज व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राजेश बबलूवासी भी इस हड़ताल में शामिल हो गए और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अधिवक्ताओं की बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद। संभल के राजपुरा थाना अंतर्गत टी पॉइंट पुलिस चौकी के ग्राम मोलनपुर डांडा मजरा धर्मपुर और उमेदपुर की गंगा नदी के जंगलों में दो अज्ञात शवों को मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। थाना राजपुरा के अंतर्गत गांव उमेदपुर से आज सुबह के टाइम एक ग्रामीण के द्वारा यह सूचना दी गई कि उन्होंने खेत में गोली चलने की आवाज़ सुनी है। पुलिस के द्वारा आकर मौके पर जब जांच पड़ताल की गई तो इसमें एक व्यक्ति का शव जिसके सिर में गोली लगी हुई है, उम्र लगभग 50 वर्ष, इसको बरामद किया गया। ये शव अभी अज्ञात है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसके पश्चात जब आसपास के एरिया का सर्च किया गया तो इससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंगा जी के किनारे एक महिला का शव भी प्राप्त हुआ, जिसमें उसके सिर पर भी किसी भारी वस्तु से प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने का कार्य किया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। देवरिया के चुपवा थाना में एसपी संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी अनिल कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।